वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एड क्यू। मैं मुत्तहिदा अरब इमारात की बात करने जा रहा हूं, और लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूं उससे पहले मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप उस पर भी बात करें। वो कोई थानेदार है, कोई दुबई का, कोई जिसने कोई पाकिस्तानियों पर ट्वीट किया है। तो मैंने चेक किया, मैंने कहा कि पता नहीं बहुत सीरियस इशू है। जब मैंने चेक किया, मैं उस पर अब तफसील भी नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊँगा कि जिस शख्स को एक जोकर है, वो दुबई में पुलिस अफसर है, छोटे लेवल का है, जिसको अपने मुल्क का अपना मीडिया सीरियसली नहीं लेता, तो आप भी उसको सीरियसली ना लें। ये इसकी मिसाल कुछ हमारे यहाँ लोगों की है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लोग नाराज़ हो जाएंगे। कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं हमारे जिनको कोई सीरियसली नहीं लेता, वो कोई भी स्टेटमेंट दे दें उनको कोई सीरियसली, तो इस ये तो पॉलिटिशियन भी नहीं, एक थानेदार है, हालांकि उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन यह कि मकसद ये है कि इसका कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, एक छोटा थानेदार कोई ड्रग स्मगलिंग की बात कर रहा है, कुछ पाकिस्तानी आए उनको रोक, छोटी लेवल की बातें हैं। तो जिस शख्स को उनका अपना मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा और कवर नहीं कर रहा, आप भी इसको इग्नोर करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उनके कोई मिनिस्टर कोई बड़े लोग बात करें तो उस पर हम बात करेंगे, ये छोटे मोटे जो हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको इग्नोर करें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इस वक्त क्लोजिंग आखिर में जो है दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इस साल जो है यूएई के अंदर ईयर ऑफ जायद, यानी कि आम जायद सन, ये पूरा जो 2018 है ये शेख जायद के नाम उन्होंने किया हुआ है। शेख जायद जो है वो फाउंडिंग फादर हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के, जिन्होंने 7 एमिरेट्स को मुत्तहिद किया और एक मुत्तहिदा अरब इमारात कायम किया। वो बड़ा फख्र से यूएई के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अब तक अरब और मुसलमान जो हैं कोई इत्तेहाद कायम नहीं कर सके, यानी कि 2 या 3 ममालिक मिलकर इकट्ठे होकर मुत्तहिद हो जाएं, बल्कि अलग अलग होते गए और टूटते गए और बिखरते गए, लेकिन हमने 7 इमारात को मुत्तहिद करके साबित कर दिया कि अरब और मुसलमान जो हैं वो मुत्तहिद हो सकते हैं। तो हमारा एक पहली काविश, एक पहला कदम हमने उठाया। तो शेख जायद की वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान से भी उनकी बड़ी दोस्ती थी। एक ज़बरदस्त एग्जिबिशन लगा इस हफ्ते इस्लामाबाद में, सेंटोरस में, जहाँ पे शेख जायद की तस्वीर, उनकी जो पाकिस्तान से जो कुर्बत थी और पाकिस्तान की जो लीडर्स गुजर चुके हैं तमाम, उनके साथ जो उनके करीबी मरासम थे, उस पर एक फ़ोटो एग्जिबिशन लगाई गई। उस पर जो सफ़ीर हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के, उन्होंने हमें ख़ास न्यू टीवी को और एड क्यू प्रोग्राम को स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया। तो मैं आपको ये, इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये अहम बात है, ये है इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली। यूएई उन 9 ममालिक में भी शामिल था जो अभी यौम पाकिस्तान पे 23 मार्च पे हमारे साथ उनके दस्ते जो हैं फौजी वो मौजूद थे, शरीक भी हुए थे हमारी मिलिट्री परेड के अंदर। 9 ममालिक थे जो शरीक हुए थे, जिनके अंदर एक यूएई भी था। तो ये तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लाइट सी एक चीज़ है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखें और फिर आपसे कल मुलाकात होगी। और लेकिन ये रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखें। Excellency, yes. Sheikh Zayed in the hearts of Pakistan. Why did you choose this theme? Because Sheikh Zayed in heart of all Pakistani. I think in UAE, all the leaders and count Pakistan like a second home. Sheikh Zayed have a huge history in Pakistan, and we have a lot of pictures of Sheikh Zayed, official and unofficial pictures. You know, Sheikh Zayed usually come to Pakistan for hunting, and he loved Pakistan. And alhamdulillah, we have this feeling between people to people, from leaders to leaders. And we are working very hard to build on this relation, to keep it strong and sustain in the future.